बॉलीवुड की हीमैन यानी समझ लीजिए धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के बारे में हमने आपको कई सारे रोचक जानकारियां, कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जानेंगे धर्म जी के बड़े बेटे सनी देओल के बारे में कई सारे रोचक जानकारियां। तो फिर देर क्या, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर वन, 19 अक्टूबर 1956 को सनी देओल का जन्म हुआ था। सनी देओल का वास्तविक नाम अजय सिंह देओल है। नंबर टू, घर में उन्हें सनी कहकर पुकारा जाता है और फिल्मों में इसी नाम से आने की उन्होंने जीत ठान लिया और आखिरकार उन्हीं नाम से सनी नाम से ही सनी देओल कहकर लोग फिल्मों में पुकारते हैं। नंबर थ्री, धर्म जी के सबसे बड़े बेटे सनी का एक भाई बॉबी देओल है और दो बहनें हैं, एक का नाम इशिता और एक का नाम अजिता है। दोनों बहनें अमेरिका में रहती है। सनी देओल सनी की दो हाफ सिस्टर्स ईशा और एना देओल है। यायू साफ साफ हम कह सकते हैं कि हेमा मालिनी की बेटी एना देओल और ईशा देओल है। नंबर फोर, 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपनी संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्म जी ने भी अपने बड़े बेटे सनी को फिल्म बेताब जो 1983 में आया था, इस फिल्म के जरिए अभिनय की दुनिया में प्रवेश दिलाया। एक दिलेर नौजवान की इमेज सनी के लिए लेखक जावेद अख्तर ने गढ़ी। फिल्म सुपरहिट रही और सनी देओल के कदम बॉलीवुड में मजबूती से छप गए। नंबर फाइव, फिल्मों में लॉन्च करने के पहले धर्म जी ने सनी को बर्फिंग में अभिनय सीखने के लिए भेजा था। नंबर सिक्स, पढ़ाई के दौरान सनी अपने पिता धर्मेंद्र की जींस पहनकर जाते थे और दोस्तों पर रोब जमाया करते थे कि जींस मेरे पिताजी शोले फिल्म में पहने थे। नंबर सेवन, सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद चाहते हैं। धर्मेंद्र को इतना सम्मान करते हैं कि पिता के सामने ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, आज भी शर्माते रहते हैं। नंबर एट, धर्म जी को सनी अपना प्रिय अभिनेता मानते हैं। धर्म जी की फिल्म ब्लैक मेल का गाना पल पल दिल के पास उसका सबसे पसंदीदा गीत है। नंबर नाइन, अभिनेत्रियों में सनी को तनुजा बहुत पसंद है। तनुजा अभिनेत्री सनी देओल को सबसे बेस्ट एक्ट्रेस सनी देओल उन्हें मानते हैं। वही सनी पारिवारिक इंसान है, संयुक्त परिवार में रहना उन्हें पसंद है। वो अपने पिता और माँ के बिना नहीं रह सकते। सनी देओल अपनी माँ प्रकाश कौर से भी बहुत प्यार करता है। सनी देओल फिल्म पार्टियों से दूर रहता है। उनका मानना है कि इन पार्टियों में सारे लोग बनावटी रहते हैं और झूठ बोलते हैं। वहीं शराब और सिगरेट से सनी दूर रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें डिम्पल कपड़िया के साथ विदेशों में, या यूं समझ लीजिए जब डिम्पल कपड़िया के साथ सनी देओल स्पॉट पेपराजी के साथ हुआ था विदेश में, तो सिगरेट पीते देखा गया था। वही सिल्वर स्टार स्टालोन को सनी देओल बेहद पसंद करते हैं और रैम्बो सीरीज की फिल्म उन्हें बहुत पसंद है। सिल्वेस्टर स्टालोन से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने बॉडी बनाया। वहीं सनी देओल ने उस दौर में अपने बॉडी बनाई जब आमतौर पर हीरो दुबले पतले हुआ करते थे। उनका मजबूत शरीर देखकर ज़्यादातर उन्हें एक्शन रोल निभाने को मिले और उन्हें भारत का अनलॉर्ड कहा गया। वहीं सनी देओल को बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो में से एक माना जाता है। बेताब के बाद सनी की कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन अर्जुन, डकैत, यतीम जैसी फिल्मों में उनका अभिनय काफ़ी सराहा गया। वहीं पाप की दुनिया जो 1988 में आया था, इस फिल्म से सनी देओल को दोबारा सफलता मिला। और फिर उन्होंने त्रिदेव जो 1979 में आया था और वर्दी, ये भी फिल्म 1979 में ही आया था, हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसे सुपरहिट फिल्म दिया। 1990 में प्रदर्शित घायल ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर स्पेशल जूर अवार्ड यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। वहीं सनी देओल को जब घायल में शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो धर्म जी बेहद खुश हुए। धर्म जी यह पुरस्कार जीतने में कभी कामयाब नहीं रहे। कई बार धर्म जी को नामांकित किया गया था, लेकिन धर्म जी फिल्म फेयर का अवार्ड कभी भी नहीं जीत पाए। वही घायल के जरिए सनी ने ही निर्देशक राजकुमार संतोषी को पहला अवसर दिया था। फिल्म के स्क्रिप्ट सुनते ही सनी को अंदाज हो गया था कि इस पर बनी फिल्म हिट होगी और उन्होंने घायल को अपने बैनर तले बनाया। डर फिल्म 1983 में आया था। इस फिल्म में काम करना सनी के लिए खराब अनुभव रहा। सनी को लगा कि सेट पर उनका उपेक्षा की जा रही है, चीज़ें उनके मनमाफिक नहीं हो रही है। एक बार तो इतने गुस्से आ गए कि जींस की जेब हाथ में डालकर उन्होंने पैंट के नीचे तरफ फाड़ दिया। खैर, राजकुमार संतोषी और सनी ने तीन फिल्मों
राजकुमार और संतोषी तीन फिल्मों जैसे घायल, घातक और दामनी में साथ काम किया। ये तीनों सनी के करियर की बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। बाद में दोनों में विवाद हो गया और राहे राजकुमार संतोषी और सनी देओल का अलग हो गया। इस विवाद के कारण कई अच्छी फिल्म सनी देओल के हाथ से निकल गया। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह आप सनी देओल के बारे में अनसुनी बातें और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।